Hello everyone, I am Lalita, and you are most welcome in my YouTube channel that is Let's Learn with Lalita. And students, as you know, we have discussed this chapter in our last videos that is Gender, Religion, and Caste. It is the civics chapter of class 10th. Okay, and in this video, uh, I made this video special for you because in your exam, 25% questions will be. और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एटी मार्क्स में से ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का भी रिविजन अच्छे से हो बेटा सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन वेद दैट इज वाट डू यू नो अबाउट फेमिनिस्ट मूवमेंट बेटा यू नो वेरी वेल अबाउट फेमिनिस्ट पीपल फेमिनिस्ट जो लोग होते हैं वो इक्वल राइट्स में बिलीव करते हैं मैन और वुमेन के इक्वल राइट्स में बिलीव करते हैं सो फेमिनिस्ट मूवमेंट भी फीमेल को स्पेशली इक्वल राइट दिलाने के लिए इक्वल टू मैन राइट दिलाने के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए गए थे सो so, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे द मूवमेंट विच एम्ड एट इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ चाहे वो सोशल लाइफ हो चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ हो चाहे वो इकोनॉमिक लाइफ हो ओके इक्वल राइट वीमेन की इक्वल Uh, होने चाहिए वुमेन और मैन के इक्वल राइट्स होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को अगर मैं आपको uh, समझाऊं कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वर्क आर डन बाय वुमेन और वही वर्क अगर पेड होता है तो ऑफ कोर्स मैन भी उस वर्क को करते हैं बहुत बड़े बड़े शेफ होते हैं लेकिन घर में खाना बनाने का काम फीमेल करती है सिस्टम इन विच ऑल वर्क इन साइड द होम इज डन बाय वुमेन ऑफ फैमिली Or uh, you can add in this question or the work done by uh, paid workers. Next question is what is patriarchal society? Patriarchal society or matriarchal society? Patriarchal uh, society means male dominated society, and matriarchal society means uh, female dominated society. Of course, India is a patriarchal society. This is a system that values men more uh, and gives them power over. वोमैन जो मैन को ज्यादा वैल्यू देता है और उनको वीमेन से ज्यादा पावर भी देता है वट डू यू नो अबाउट ऑक्युपेशनल मोबिलिटी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मीन सिंपल फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ओके वन ऑक्यूपेशन टू अनदर दैट इज ऑक्युपेशनल मोबिलिटी यूजअली वैन आर न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्युपेशन अदर देन दोज प्रैक्टिस बाय देयर एनसिस्टर्स जरूरी नहीं कि मोची का बेटा मोची बने ओके okay, पॉटर का बेटा पोटर बने सो so, Uh, अपने ऑक्यूपेशन को शिफ्ट करना दैट इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एग्जाम में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी पूछा जा सकता है या नेम द कंट्रीज वेयर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है सो so, दोनों क्वेश्चन को मैंने मर्ज कर दिया है आंसर आपका सेम होगा फिनलैंड नॉर्वे एंड स्वीडन इनको आप लर्न कर लेना वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था फिनलैंड नॉर्वे एंड स्वीडन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्वल वेजिज एक्ट इक्वल वेजेज एक्ट एक्ट मीन्स की जो वेजेस हैं वो इक्वल हो इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस और इसको रिमेन्ड्रेशन एक्ट भी कहा गया है जो नाइनटीन में पास हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क किसको मेल और फीमेल को राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता यह महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए सेक्युलर स्टेट सेक्युलर स्टेट क्या है आप पहले भी एट क्लास में भी आपने पढ़ा था सेक्युलरिज्म का पूरा चैप्टर है एक सेक्युलर स्टेट जिसका कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता वो सेक्युलर स्टेट है और सेक्युलर स्टेट क्या करता है अ सेक्युलर स्टेट इन विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट यानी कि ट्रिपल पी ओके प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं हम किसी भी रिलीजन को बना सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और नॉट टू फॉलो एनी और ये भी राइट right हमारे पास कि हम चाहें तो किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करें देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट इज़ नॉट क्रूसियल स्टेट इट इज सेक्युलर स्टेट देर इज सम मिस्टेक इट इज़ नॉट क्रूसियल स्टेट इट इज सेक्युलर स्टेट ओके इट इज सेक्युलर स्टेट ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन क्या है बुद्धिज्म you know well. और इंडिया नो इज नॉट रिलीजियस कंट्री और यू कैन से इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है पाकिस्तान का ऑफिशियल नेशनल रिलीजन इस्लाम है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सेक्स रेशियो इन इंडिया इज 940 इंडिया का सेक्स रेशियो क्या था 2011 में 940 व्हाट इज फैमिली लॉज फैमिली लॉज क्या है बेटा फैमिली लॉज आप सभी को पता है कि जो हम प्रथाएं हमारी जो मैरिज सिस्टम है डिवोर्स एडोप्शन है इनहेरिटेंस हमारे सबका अलग अलग होता है अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कास्ट में अलग अलग होता है सो यही फैमिली लॉज है एक्चुअल में दोज लॉज डील्स विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज डिवोर्स अडप्शन एंड इनहेरिटेंस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिजल्ट ऑफ जो इंडिया का और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था पार्टीशन हुआ था वो किसका रिजल्ट था वो कम्युनल डिवीजन था एक तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लोकल बॉडीज इलेक्शंस हाउ मच सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन लोकल बॉडीज में यानी कि हम अगर बात करें लोकल गवर्नमेंट की तो उसमें फीमेल के लिए वन थर्ड सीट्स रिजर्व है यहाँ भी मैंने टू क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है कि कितने वुमेन इन्वॉल्व है रिप्रेजेंटेशन है कितनी वुमेन का लोकल गवर्नमेंट में तो टेन लैख वुमेन से भी ज्यादा का रिप्रेजेंटेशन इंडिया में लोकल गवर्नमेंट में फीमेल का है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश लेडर लाइक फॉर्मेशन लेडर होता है बेटा अ स्टेयर ओके इन विच ऑल ऑल कास्ट प्रूव्स आर प्लेस प्लेस्ड फ्रॉम हाईस्ट टू लोएस्ट कास्ट हाइएस्ट टू लोएस्ट कास्ट में डिवाइड किया जाता है एक कास्ट को हाई माना जाता है दूसरी कास्ट को लो माना जाता है इस तरह का जो फॉर्मेशन है वो किस में होते हैं वो कास्ट एर आरकी में होती है कास्ट एर आरकी मीन्स इसमें ये अपर कास्ट का है ये लोअर कास्ट का है राइट right? और इस चैप्टर में आप थ्री पार्ट थ्री पॉइंट बेसिकली डिस्कस कर रहे थे जेंडर रिलीजन और कास्ट और उन्हीं के बेसिस पे जो डिवीजन uh, है या किस तरह से वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं सबसे अच्छा रिजल्ट उसमें जेंडर का था क्योंकि जेंडर में इक्वालिटी को माना गया है ओके एंड सेकेंड हम रिलीजन की बात करें तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है लेकिन कास्टिज्म जब इन्वॉल्व होता है तो कास्टिज्म का तो पूरी तरह से टोटली नेगेटिव इफेक्ट रहा है ओके okay? Uh, और इसमें कास्ट के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स होती है यानी कि कास्ट में भी रिजर्वेशन लोगों को दी गई है और कम्युनल पॉलिटिक्स जहाँ पे होती है वहाँ पे डिवीजन भी आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था वो भी कम्युनल या यू कैन से रिलीजियस बेसिस पे डिवीजन हुआ था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इन विच मेन एलिमेंट इज़ जब भी कम्युनल पॉलिटिक्स होती है उनमें जो मेन एलिमेंट होता है वो क्या होता है वो रिलीजन होता है बेटा इसको ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम uh, में आ सकता है नेम द लीडर्स या इस लीडर्स की जगह बेटा सोशल रिफॉर्मर्स भी वर्ड uh, यूज हो सकता है फॉर एलिमिनेशन वर्क फॉर एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया जिन्होंने कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट करने का काम किया तो उनमें ज्योतिबा फूले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं महात्मा गांधी हैं और पेरियर नायकर जी हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं कम से कम टू और थ्री नेम आपको लर्न करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज वेरी लो देखो हमने हाई का पढ़ा था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और सबसे कम किसका है चाहे वो पोलिटिकल में हो या आ, तो जो पार्टिसिपेशन यानी पब्लिक लाइफ का मतलब यह है कि घर से बाहर जो भी काम करती female, कितना है कितना पार्टिसिपेशन है सो सबसे कम बांग्लादेश का है एक जैसे लोग रहते हैं एक स्पीसीज के लोग रहते हैं तो उसको होमोजेनियस सोसाइटी कहते हैं ऑफकोर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिविजन इज़ यूनिक in uh, इन इंडिया अमंग कास्ट इकोनॉमिक जेंडर और रिलीजन इनमें से कौन सा जो डिवीज़न है वो यूनिक है तो कास्ट डिविजन जो है वो यूनिक है इंडिया में ये बाकी कहीं भी आपको आ, देखने को शायद नहीं मिलेगा पूरे देश पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो जेंडर तो वर्ल्ड वाइड है और रिलीजन भी कहीं कहीं यूरोपियन कंट्रीज में भी हमने देखा था लेकिन कास्ट का इंडिया के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है ओके आई होप इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको और आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और वीडियोस देखते रहें थैंक यू सो मच चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसका लाइक ज़रूर करें और शेयर करें थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू